और अब खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर में एक नवजात की हत्या कर दी गई। नवजात का शव मिलने से सनसनी का माहौल है। आशंका जताई जा रही है कि किसी धारदार हथियार से या सर्जिकल ब्लेड से नवजात के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। पुलिस को तंत्र मंत्र के एंगल से जांच करना है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि समाज के भीतर ऐसा कौन सा दरिंदा है जिसे एक नवजात की जान लेने का मंसूबा भी है। ये जघन्य है, बड़ी बच्चा बिल्कुल नवजात जैसा है, एक दो दिन तीन दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा लग भी नहीं रहा है। सर पे अभी कुछ बाल घने, कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके घने बाल होते हैं, लेकिन उसकी स्किन और ओठ और आंखें बता रही कि बच्चा बिल्कुल अभी नवजात ही था। ऐसा क्यों है, कहाँ से है, ये सारी चीज़ें अब आगे हमारे लिए बड़ा चुनौती का विषय है, उसको पता लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि नोएडा में चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और इसके दो साथी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अपने दो साथियों की गिरफ्तारी के दौरान ये मौके से भागने में कामयाब हो गया था, जिससे अब पुलिस ने पकड़ा है। मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में ये मुठभेड़ हुई, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक शातिर बदमाश जिसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है, ये पहले फरार हो गया था जब इसके साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त ये पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हुई। और अब बात करते हैं झांसी की, क्योंकि झांसी में पंजाब नेशनल बैंक के पास एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और कुछ ही मिनटों में ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। और जब ट्रांसफार्मर जला तो पूरे इलाके में अंधेरा छा गया था। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रांसफार्मर में आग लगी और ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी थी। दीपावली दीपावली।